आई एम यशोक कुमार महतो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे बेसिक इंग्लिश फॉर बिगनर्स पार्ट थ्री में। इसमें कभी कभी हम लोगों को कर वाला वाक अध्ययन करना पड़ता है। जैसे देखिए जाकर, पढ़कर, खेलकर, दौड़कर, इस तरह का जो वाक्य होता है, जैसे वह काम समाप्त करके घर चला गया, काम समाप्त कर वह घर चला गया, मैं पढ़कर खेलने गया, तो ये जो कर है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये जो कर है आज उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पूरा अध्ययन कर लेने के बाद फिर कर वाला वाक्य आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है हैविंग प्लस वी थर्ड या वी वन प्लस आई एन जी, यानी पहला जो नियम है ये दोनों से बन सकता है, हैविंग प्लस वी थर्ड से भी बना सकते हैं या फिर वी वन प्लस आई एन जी से। जैसे वाक्य देखिए, घर पहुंचकर मैं स्नान किया, तो घर पहुंचकर मैं स्नान किया, तो हैविंग रीच्ड होम आई हैड अ बाथ और आई टुक अ बाथ। अगर इसको हैविंग रीच्ड आपको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये इसका प्रयोग करिए, रीचिंग होम आई हैड अ बाथ और आई टुक अ बाथ। तो रीचिंग होम या हैविंग रीच्ड होम, आप जो भी प्रयोग करेंगे वही सही है। याद रखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दो तीन बार चार बार बोलिएगा तभी ये सेंटेंसेस जो है सेट हो जाएंगे दिमाग में। फिर अगला, समाचार सुनकर वह बहुत खुश हुआ, तो हैविंग हर्ड द न्यूज ही फेल्ट हैप्पी, हैविंग हर्ड द न्यूज ही फेल्ट हैप्पी, या अगर ऐसा ना बोलना चाहते बोलिए हियरिंग द न्यूज ही फेल्ट हैप्पी, दोनों बोल सकते हैं, हियरिंग द न्यूज ही फेल्ट हैप्पी या हैविंग हर्ड द न्यूज ही फेल्ट हैप्पी। आप जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। अगला, काम समाप्त कर वह घर चला गया, तो हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, अगर ऐसा ना बोले तो ऐसा बोल सकते हैं फिनिशिंग द वर्क ही वेंट होम। तो इस प्रकार से ये नियम हुआ। इसके बाद अब हम लोग इन्फिनिटिव के अध्ययन करेंगे। दो नंबर नियम है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माने टू प्लस वी वन। अगर बोले टू रीड, टू राइट, टू प्ले, ये सब क्या है इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव से भी कर वाला वाक्य बनाया जा सकता है। दोस्तों देखिए, पहला, सांप देखकर वह डर गया, तो देखकर। अगला देखिए, तुम्हारा पत्र पाकर मैं बहुत खुश हूं, पाकर, तो देखकर, पाकर, खेलकर, तुम्हें कुछ देकर मैं बहुत खुश होता हूं, तुम्हें कुछ देकर मुझे बहुत खुशी होती है, तो देकर। तो इस तरह से कर वाला वाक्य के लिए आपको इन्फिनिटिव भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक बार सांप देखकर वह डर गया, तो ही गॉट अफ्रेड टू सी अ स्नेक, ही गॉट अफ्रेड टू सी अ स्नेक, सांप देखकर वह डर गया, ही गॉट अफ्रेड टू सी अ स्नेक, इस तरह से आप बनाएंगे। दूसरा नंबर, तुम्हारा पत्र पाकर मैं बहुत खुश हुआ, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू गेट योर लेटर, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, ये भी बोल सकते हैं। इस तरह से जितना भी कर वाला होगा आप बहुत सारा वाक्य बनाइएगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना होगा, सेंटेंस खुद बनाने की कोशिश करिएगा। अगला देखिए, बींग प्लस एडजेक्टिव, जैसे बोलते हैं थककर वह सो गया, तो बींग टायर्ड ही स्लेप्ट। अगला वाक्य है, नाराज होकर वह पार्टी से चला गया, तो बींग ऑफेंडेड ही वेंट अवे फ्रॉम द पार्टी, बींग ऑफेंडेड ही वेंट अवे फ्रॉम द पार्टी। तो इस तरह से हमेशा बनाइएगा, छोटा सा वीडियो है और बहुत सारा वाक्य खुद बनाइएगा, प्रैक्टिस करना होगा। दोस्तों ये इन सारे कंस्ट्रक्शन आपको बहुत मदद करेगा आपको अंग्रेजी बोलने में, लिखने में। और अंत में एक बार फिर मेरा इस छोटा सा वीडियो को, अगर आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा ये काम का चीज है तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।